400 साल करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की करंट से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकी जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले वायुमंडल ने ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकी जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास ठंडा हवा दीजिए खूब ठंडा लगता है। जो बढ़ते गए और घने जंगल में बदल गए। घून, मकड़े आदि पंखहीन पतंग एवं एक्नोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का जलवायु के खुद को हार दिया। इनमें से कुछ तो किन्नर की तरह हल्के होते थे और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जैसे होते थे। इसके विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृति साइंस एक एवं उत्तरी राज्य जैसे छोटे डायनासोर पूरी दिग्ग के तीन धावकों की तरह तोड़ सके। स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले धरती पर एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित। वे तेजी से धरती पर बढ़े। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टीरानोसॉरस रेक्स। इसका ही दाम चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा सभी डायनासोर प्राय 6 करोड़ वर्ष पहले विलुप्त हो चुके। एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी ग्रह का पृथ्वी से चार जिसके फलस्वरूप उत्पन्न धूल के विशाल